हाय गाइस, वेलकम बैक टू शीतल्स वेयर एंड वॉच। आज मैं एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आई हूँ। मतलब अच्छी तो हमेशा होती है, बट बहुत सिंपल सिंपल भी हमेशा होती है। ठीक है, मैं आज एक और चीज़ लेकर आई हूँ आप सबके लिए, जो आप सबके लिप्स और आप सबके नेल्स विदाउट नेल पेंस और मतलब अंदर से भी आप सबको मतलब बहुत ही क्लीन रखेगा और साफ रखेगा और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मतलब मैं बता देती हूँ कि वो चीज़ क्या है। वो ऐसी एक चीज़ क्या है जो आपके नेल्स को, आपके लिप्स को, और चाहे तो आप उसे आईलैशेस पे भी लगा सकते हैं। तो वह कौन सी चीज़ है जो बहुत मतलब आपको ऐसा रखती है, जो शाइन बहुत देती है, नेचुरल शाइन, वो है ऑयल। जी, जो ऑयल होता है वो आप जानते हैं, वो मतलब नरिशमेंट का काम करता है। तो आप उसे अपने नेल्स पर लगा सकते हैं, अपने लिप्स पर लगा सकते हैं, और जब आप सोते हैं, मैं मतलब बता देना चाहती हूँ, जब आप सोते हैं तो जो आपका नाइटू होता है, जो आपका नेवल होता है, वहाँ पर आप जब सोते हैं तो आपको कुछ ड्रॉप्स तेल के, मैं बता देती हूँ आप कौन सा तेल यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो पैराशूट ऑयल लगा सकते हैं, तो मतलब पैराशूट से मेरा मतलब है कोकोनट ऑयल, आप वो लगा सकते हैं, मतलब यूज़ में ले सकते हैं, या फिर कैस्टर ऑयल, और या तो फिर तिल का तेल और ऑलिव ऑयल। चार में से कोई भी एक ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑयल, आप सोचोगे कि मैं ऑयल यहाँ डालने के लिए क्यों बोल रही हूँ, यहाँ से क्या फ़र्क पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि जब भी बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसे जो भी खाना मिलता है, जो उसे ताकत मिलती है, जो भी होता है, वो सब उसे यहाँ से मिलता है, क्योंकि उसका जो नस होती है अपनी, जो जहाँ से उसको खाना मिलता है, वो यहाँ से जुड़ी होती है। तो उसको जो भी मिलता है वो आपको उसको यहीं से मिलता है। तो क्योंकि ये जो पार्ट होता है हमारी बॉडी की, सारी जो भी नाड़ियाँ होती हैं वो सबसे जुड़ा हुआ रहता है, ये वाला पार्ट, मतलब यहीं सब कुछ नाड़ियाँ जो होती हैं वो जुड़ी हुई रहती है। तो अगर आप यहाँ से कुछ करते हैं, मतलब सिर्फ ऑयल का कह रही हूँ मैं, अगर आप यहाँ पर ऑयल आप डालते हैं, ठीक है, जो मैंने ऑयल्स बताए वो, तो आपको वो अंदर से नेचुरल शाइन देगा अपने आप, आपके बालों पर, आपके स्किन पर, आपके लिप्स पर भी। अब जब आप रात को सोते हैं, आपको ऑयल तभी मतलब यहाँ पर अप्लाई करना है, और यहाँ पर भी जब भी आप रात को सोते हैं, तो काफ़ी लोग होते हैं जो मॉइस्चराइज़र लगा कर सोते हैं, पता नहीं क्या लगा कर सोते हैं, पता नहीं कभी क्या, कुछ मत लगाइए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी रात को सोते हैं तो आपको कोई भी ऑयल आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अपने नेल्स पर लगाना है, थोड़ा सा ऐसे से मत कीजिएगा, थोड़ा सा उसको मतलब थोड़ा सा अच्छे से मालिश वालिश करना है, ठीक है। चाहे तो आप लिप्स पर लगाइए, लिप्स पर तो मतलब लगाना ही है, ठीक है, थोड़ा सा उसको रब करते जाइए आप, ठीक है। और आप चाहे तो आप अपने आईलैशेस पर भी लगा सकते हैं, चाहे तो अपने आईब्रोज पर भी लगा सकते हैं, बट ये जो जगहें हैं जो मैंने तीन बताई हैं, नेल्स, लिप्स और आपका नाइटू, वो तीनों जो जगहें हैं वो मेन हैं, उस पर तो आपको लगाना ही लगाना है। लिप्स के लिए, क्योंकि लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, ठीक है, वैसे अभी मौसम भी ऐसा है कि जिनके लिप्स ड्राई कभी नहीं रहते हैं उनके भी रहेंगे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो अपने आप होता है, ऐसा नेचुरल है। बट जिनके वैसे भी ड्राई रहते हैं, ज़्यादा ब्लैक हैं, ज़्यादा काले हैं, और ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहली बात तो केमिकल्स बहुत यूज़ किया हुआ है, तो प्लीज़ सबसे पहली बात केमिकल्स यूज़ करना छोड़ दीजिए। काफ़ी लोग लिपस्टिक्स लगाते हैं, कभी क्या लगाते हैं, आप नहीं जानते हैं कि लिपस्टिक्स में किस टाइप के केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। आपको नहीं है बिलीव तो आप खुद ही जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि लिपस्टिक्स के अंदर किस टाइप के केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो आपके लिप्स को इतने ज़्यादा ड्राई और मतलब इतना डेड और मतलब इतना डार्क बना देते हैं, जो शायद कभी आपको लगता है कभी ठीक भी नहीं होंगे। तो आपको उसको अच्छा दिखने के लिए आपको लिपस्टिक और अप्लाई करना पड़ता है, तो आप लिप्स ख़राब हो चुकी है, उसको आप और ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, उसको अभी से छोड़ दीजिए। आप चाहें तो हल्का सा एक वैसलीन लगा सकते हैं, हल्का सा ट्रांसपेरेंट कोई बाम लगा सकते हैं, लिप बाम, बट जिसमें कलर्ड रहता है, जो लिपस्टिक्स रहती हैं, जैसे लैक्मे हो गया, जो भी, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहती, तो वो सब आपको यूज़ नहीं करना है। कभी कभी आप करते हैं तो वो आपकी चॉइस है, बट आपको जो रोज़मर्रा में कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो लिपस्टिक, रात को सो रहे हैं तो लिपस्टिक, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है आपको। नेल पेंट्स भी नहीं लगाना है आपको। काफ़ी लोग सोचते हैं कि नेल पेंट्स लगाने से बहुत सुंदर दिख जाती हूँ,
नेल पेंट्स आपके फेस पर नहीं दिख रहा है कि आपने नेल पेंट लगाया भी है, आपको नेल पेंट्स नहीं लगाना है, आप उसको जितना नेचुरल रखते हैं, जितना शाइन नहीं दिखता है नेचुरली वो ज़्यादा बेटर है, या फिर जो ऊपर ऊपर से अच्छा है वही, वो भी आप दो दिन में हाथ धोते हैं कुछ करते हैं तो वो इतना इतना सा वो निकलने लग जाता है और भी आपके हाथ गंदे दिखते हैं, तो आप और नेल पेंट्स यूज़ करते हैं तो आप उसको मतलब खुद ही ख़राब कर रहे हैं। आपको मालूम है ये अच्छा नहीं है बट आपको लगता है कोई चारा भी नहीं है तो आप वही उसको अप्लाई करते हैं। बट मैंने बताया अभी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस और फिर अपने आप रिजल्ट देखेंगे। लिप्स के लिए मैं बता देती हूँ कि जब भी आप नहाते हैं तो जो आपका ब्रश होता है जिससे आप ब्रश करते हैं, तो जब आप नहाते हैं अपने आप लिप्स को आपको थोड़ा सा ऐसे करना है, मतलब बाहर निकालना है लिप्स को और आपको उसके ऊपर लिप्स के ऊपर आपको ब्रश करना है, तो जो भी आपके डेड स्किन सेल्स हैं वो बाहर मतलब अपने आप निकल जाएंगे और आप जो होता है ब्लड सर्कुलेशन वो बढ़ने लगेगा अपने आप, तो जो शाइन है वो आप अपने आप देखेंगे कुछ दिनों बाद ही। तो ये चीज़ें आपको करनी है। सबसे लिप्स के लिए मैंने बताया ब्रश बाहर से तो करना ही करना है आपको। ऑयल सबसे मेन मैंने बताया कि आप ऑयल सोने से पहले आपको यहाँ भी लगाना है, यहाँ तो आपको डालना ही डालना है और लिप्स पर भी लगाना है, तो ये चीज़ें आप ट्राई कीजिए और अगर आपको रिजल्ट, वैसे तो रिज़ल्ट मिलने ही वाला है पर जैसे आपको रिज़ल्ट मिलता है आप फटाफट से कमेंट में लिखेगा ताकि जो लोग इस चैनल को नया नया देख रहे हैं सबसे पहले कमेंट देखते हैं कि अरे यार सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ये सच है, तो कमेंट में जरूर लिखेगा जिससे आपकी वजह से बाकी सब लोगों को हेल्प होगी क्योंकि हाँ मतलब वो लोग अच्छी चीज़ मतलब करने लगेंगे। तो उन सब के लिए अगर आपको सूट हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेगा और शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि सबको ज़रूरत है आज के नेचुरल चीज़ों की, हर जगह केमिकल्स ही केमिकल है, कहाँ जाए ऐसा हो जाता है, तो आपको शेयर भी करना है। लाइक तो आप क्यों नहीं करेंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा तो वीडियो आप लाइक करेंगे ना, लाइक करना है और बस, तो ये चीज़ आपको करनी है, सपोर्ट करना है ताकि जो जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक ये चीज़ पहुँच सके और हमसे जुड़ सके। थैंक यू, मैं अगली बार फिर आऊँगी बहुत ही अच्छे टिप के साथ, मैं कुछ भी मैं लेकर आ सकती हूँ, आप सबको उसके लिए जुड़े रहना है हमसे। बाय।